जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कोऑपरेशन लिमिटेड और कंस्ट्रक्शन एजेंसी के बीच चलते डिस्प्यूट की वजह से 15 सालों से आईटीआई बिल्डिंग शोपियां में अभी तक नहीं बन पाई है। नमस्कार, मैं हिया नेजा और आप देख रहे हैं जेके मीडिया। बात करें अगर शोपियां की, तो 2006 में एक प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिला था कि आईटीआई बिल्डिंग वहां पर बनेगी, पर 15 साल बीतने के बाद भी अभी तक वो आईटीआई बिल्डिंग नहीं बन पाई है। और उसका रीज़न यही है कि जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कोऑपरेशन लिमिटेड और कंस्ट्रक्शन एजेंसी के बीच डिस्प्यूट चल रहा है, और ये डिस्प्यूट पिछले 15 सालों से चल रहा है। सवाल यहाँ पे कुछ खड़े उठते हैं कि क्यों अभी तक किसी और कंपनी को टेंडर नहीं दिए गए। हालांकि JKPCCL की ओर से एक और अपडेट आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि प्रॉपरली फंड्स एलोकेट नहीं किए जा रहे, इसकी वजह से काम पेंडिंग है। हालांकि जो डिस्प्यूट कंस्ट्रक्शन एजेंसी और JKPCCL के बीच लगी थी, वो भी फंड्स को लेके थी, क्योंकि 2006 में जब अप्रूवल मिला, अप्रूवल के बाद कह दिया गया था कि एक स्टोरी की बिल्डिंग बनेगी जिसके लिए टेंडर पास किए गए, कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम करने की इजाज़त भी मिल गई। कंस्ट्रक्शन कंपनी एजेंसी जैसे ही काम शुरू करने लगी, उससे पहले सडनली गवर्नमेंट का एक और ऑर्डर आता है जिसमें कहा यह जाता है कि जो बिल्डिंग है वो डबल स्टोरी होनी चाहिए, जिसके चलते फंड्स की प्रॉपर एलोकेशन नहीं हुई और डिस्प्यूट जो है वो JKPCCL और कंस्ट्रक्शन एजेंसी के बीच शुरू हो गया। और ये डिस्प्यूट 15 सालों तक ख़त्म नहीं हुआ, जिसके चलते वहाँ के लोकल्स जो हैं उनको सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। क्योंकि बात करें अगर कहीं ना कहीं जो वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बढ़िया नहीं है, और जिसके लिए नई बिल्डिंग बनाने की बात कही गई जहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल होंगी, पर डिस्प्यूट के चलते अभी तक वो बिल्डिंग नहीं बन पाई है। कहीं ना कहीं वहाँ के लोग इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन के लिए उन्हें बाकी शहरों में आना पड़ता है, बाकी जगहों पर आना पड़ता है, जो कि बिल्डिंग वहाँ प्रोवाइड, जहाँ गवर्नमेंट ने अप्रूवल भी दे दिया है उस बिल्डिंग के लिए, पर उसके बावजूद भी अभी तक एक बिल्डिंग नहीं बन पाई। और इस डिस्प्यूट को 15 साल हो गए हैं, 15 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है किसी भी डिस्प्यूट को लेके, जो है वो इस समय चल रहा है कंस्ट्रक्शन एजेंसी और JKPCCL की तरफ से। और यहीं JKPCCL की ओर से एक और अपडेट आ रहा है, वो ये कि अभी तक फंड्स की प्रॉपर एलोकेशन नहीं हुई है, 20 लाख का पेंडिंग फंड अभी भी है जो अभी उनके पास आना है ताकि ये काम जो है वो स्टार्ट किया जा सके। तो यहाँ ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी भी जहाँ हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया, तो शायद करप्शन के केसेस कम हो, या शायद जो काम बहुत टाइम से पेंडिंग है वो जल्दी पूरा हो जाए, या जिस तरीके से पिछले दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से रेज की गई, सरप्राइज विजिट की गई, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में उम्मीद जागी थी कि जितना भी पेंडिंग काम है जम्मू कश्मीर में वो शायद जल्द से जल्द पूरा हो। पर जिस तरीके से ऐसे डिस्प्यूट के केसेस सामने आ रहे हैं, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि ये काम अभी भी और कुछ साल लगेंगे इन कामों को पूरा होने में, और जम्मू कश्मीर की जनता को तब तक के लिए कहीं ना कहीं दूसरे शहरों में, दूसरी जगहों पे जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी, टेक्निकल एजुकेशन या और बाकी फैसिलिटीज़ के लिए बाकी जगहों का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही, ऐसे और अपडेट्स लेके आपके साथ फिर मुलाकात करूँगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।